फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स अभी आप सभी सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ आप सभी से बात कर रही हूँ। ये देखिए मेरे साथ में कौन है, आलिया। आलिया कहाँ जा रही हो? मैं मोर को देखने। पिकॉक को देखने मोर है ना, मैं यहाँ पर पढ़ाने आती हूँ ना कोचिंग। मैंने आप सभी के साथ में वीडियो भी शेयर की है कि मैं जो पिकॉक देखी यहाँ पर जहाँ मैं पढ़ाने आती हूँ, वहाँ पर मैंने कई बार जाएगी फिरते हुए देखी। यहाँ पर शुरू से ही हैं पिकॉक, तो मैंने ऐसे ही बेटू को दिखाया, मैंने कहा मैंने पिकॉक देखी, तो बेटू भी जिद कर रही है कि मुझको भी पिकॉक देखना है। तो बस यहाँ पे हम देखने के लिए आए हैं। वैसे तो मुझे, मैं इधर नहीं आई हूँ अंदर की साइड, मुझे बाहर ही मिल जाती थी, बट यहाँ पर आई हूँ मैं। बेटू मैंने पूछा पिकॉक कहाँ पर मिलेंगी, तो बोल रही थी यहाँ अंदर चले जाना, उधर की साइड मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम इधर की साइड आए हैं, अंदर की साइड देख रहे हैं। यहाँ पे अब बेटू देख के नीचे गोबर है, तो यहाँ पर बेसबंदी रहती है, तो यहाँ पे चारों तरफ गोबर भी है। जब यहाँ पे भैंस बांधी जाती है, बेटू ये पूछ रही है ये पत्थर क्यों लगे यहाँ पे, ये इधर वो होते ना खूंटा खूंटा टाइप का खूंटा, ये नहीं ये वो नहीं है बेटू, ये तो इस पे बांधते हैं गाय को भैंस को बांधते हैं इस पे क्या बोलते हैं घूटा खूंटा खूंटा वो। तो बस यहाँ पे हम आए हैं और अभी फ़िलहाल तो हम अंदर आ गए हैं, बट अभी हमें यहाँ पर मोर तो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। इंशाल्लाह काश बेटू को देखने के लिए मिल जाए मोर। अभी यहाँ तक आ चुके हैं, अभी तक हमें मोर देखने के लिए नहीं मिला है। वैसे मुझे तो बाहर ही जो है कि रोड पर फिरती हुई दिख जाती थी, तो मैं वहीं पर वीडियो बना लेती थी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, बट अब बेटू को मोर देखने तो मिल ही नहीं रही है। बेटू बेचारी इंतज़ार कर रही है कि कहीं ना कहीं तो दिख ही जाए, कहाँ मिलेगी मोर। बेटू देखो हम कहाँ तक आ चुके हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम इधर की साइड आई हूँ। सच्ची में दिख रहा है, हाँ देखो पेड़ों पे बैठी होंगी पेड़ों पे बैठती है बेटू। अच्छा हाँ पेड़ों पे पहुँचा, कैसे पूछो किस से पूछे पिकॉक कहाँ पर। और हाँ एक तरफ मैं इनके साथ में गई थी ना, बुलबाजी के घर पे भी जा रहे थे, वो इनका ही घर इधर ही साइड से जंगल में से होते हुए निकलता ये खेती खेते इधर की साइड, तो मैं ना उस टाइम भी देखी थी शायद इस टाइम सर्दियों का टाइम है, इस वजह से नहीं दिख रही होंगी, कहीं घुस गई होंगी अपने घर में। अब कैसे रास्ता पहुँचेंगे वो लड़का तो वहाँ जा रहा है, बेटू नहीं दिख रही, चले घर इंशाल्लाह फिर कभी मिलेगी तो फिर दिखाएंगे मोर। ए लड़के यहाँ पे मोर कहाँ है, मोर अक्सर पूछ रही है लड़के से। मोर अरे रुक, ओ चला गया भाग गया। ओ मैं देखो दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई डर लग रहा है बेटू, मत जाओ यहाँ गंदगी है, चलो घर पे चले। नहीं मिली मोर, नहीं मिल रही है यहाँ पे। ओ बेटू देख के कांटे यहाँ मोर नहीं मिली है, बट सब कुछ देखने के लिए मिल गया यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ कांटे गोबर सब कुछ है, गंदगी बहुत है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ऐसा होता है, देखना व्यूअर्स देखो देखो हमारे पीछे बेटू बोल रही है पाकिस्तान में आ गए हैं। क्यों कहाँ पे आ गई बेटू? पाकिस्तान लग रहा है। आप गए पे वो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैया इसमें तलते हैं, तलते बांधते हैं। अरे कैया इसके अंदर चल जाते हैं, अंदर नहीं डालते। किधर चले? उधर क्यों जाए? अरे देख के आते हैं वहाँ पे, नहीं मिलती। चल बहुत देर हो गई, लेट हो गई, बाजी ने जल्दी आने के लिए कहा था, बाजी ने मुझसे जल्दी आने के लिए बोला था क्योंकि एक कुछ वीडियो शूट करना है इसलिए, और हम मोर के चक्कर में इतने दूर आ गए हैं जहाँ का मुझे मालूम भी नहीं है, और इतना घूमने के बाद भी जो हमें पिकॉक नहीं मिला, बहुत ही अफसोस की बात है। बेटू को जो देखना था उसको देखने के लिए नहीं मिला, बहुत बेकार लगा, और इतना अंदर आ चुके हम, अब लौट कर बाहर जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से, क्योंकि और दूसरा रास्ता मिल कहाँ है। ओ भाई भाई मिल गई, मिल गई। अरे अरे वाह, ओ मेरे चल नहीं है, छोटे वाले हैं, छोटे वाली है वो मोर, मोर नहीं है, मोरा वाला है वो, होता नहीं मोर
पंख वाली नहीं है वो, उसके पंख नहीं छोटे छोटे हैं। चलो जल्दी से दिखाते हैं। क्या ए मोटे हो, मोटे देखो मोटे। भाग गई भाग गई। पंख थोड़े से बेटू देख के कांटे हैं। भाग गई उधर खेत में। बेटू देख ली मोर हैं कैसा लगा? अच्छा काली मोर नहीं अच्छी लग रही। काली मोर अच्छी है, पंख वाली होती ना तो अच्छी लगती। चलो उधर देखते हैं, उधर मिल जाए तो आ जाओ। चलो अब कल भी देख लेंगे, आज भी देख लेते हैं। और देख और देखो मेरे स्टूडेंट वहाँ पर हैं। अरे उन्हें हम दो उनसे पूछते हैं, वो बता देंगे मोर का रास्ता। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं इधर की साइड। और मोर कहाँ है? मोर इसको मोर कहाँ है? मोर मोर अपने पास हैं जी, देखने ही जिद कर रही है, बोली मुझे मोर देखनी है। मोर नहीं देखा, दूर है। हैं कितने कितनी दूर है? अभी जानेंगे, आएंगे सवेरे आएंगे। सुबह सुबह आते हैं कितने बजे? आएंगे 5 बजे। 5 बजे आते हैं यहाँ पे। और सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7-8 बजे। 7-8 बजे हैं तो बेटू बताओ कब देखोगी, सुबह देखोगी शाम को देखोगी? सुबह सुबह 7-8 बजे उठोगे भी नहीं? उठूंगी तो। आप तो सोती हो लेट। उठूंगी तो जल्दी उठूंगी। जल्दी उठोगे ठीक है। अभी देख लो 5 बजे। और शाम को 5-6 बजे आ जाते हैं। 7 बजे 6 बजे 6 बजे मिल जाएगी ठीक है। तो देखते हैं उनके पंख नहीं है। पंख नहीं आते, बड़े बड़े पंख होते हैं, वाली आएंगी ना यहाँ पे। मैं है आती ना तो वो है वैसे। और कहाँ पे कितनी दूर है? किधर है वहाँ कहाँ? अच्छा देखते हैं और चलो ठीक है। बाय बाय। देख ली मोर, अभी ना बड़े बड़े पंख वाली देखेंगे ठीक है, मिलेगी तो। अभी छोटे पंख की देख ली, जैसे घुमा रहा है उधर मचा रही है, पढ़ नहीं सकता। अम्मा ने कीजा खेलने है बात। हाँ अम्मा तो हाल के देती हैं खेलने की। देख के बेटो कोवर है छोटे छोटे पंख की मिली। कहाँ है? गैया मोर। गैया मोर वो आ गई। गैया मोर आपको पसंद आया करने? गैया मोर है ना? चलो नहीं मिली वैसे पंख नहीं है थे, बोली थी एक बार पंख का सब दिन नहीं है। अच्छा दिवाली ना मतलब सब दिन नहीं है। अच्छा दिवाली तो एक भी नहीं रहता है? सबरी मोर होंगे सब एक भी के नहीं होंगे है? अब फिर कब आते हैं? तो फिर अच्छा अब यहाँ फिर दिवाली तक रहते ना तो फिर चलो। चलो आ जाओ। अच्छा इधर की साइड है सवन की गई, एक भी नहीं लो बिना पंख की है अब। अच्छा दीपावली पे सबके चढ़ जाते हैं अपने आप चढ़ जाते हैं दीपावली पे पूरे हैं। अच्छा अच्छी लगती है और क्या। ज्वाले खेत में हाँ मैंने देखी है इस वाले खेत में बहुत। वैसे पढ़ाने आती हूँ तभी मैंने कई बार देखी है। मैंने इसने मेरी वीडियो देखी थी ना तो उसमें इसने देखी थी मोर कि मैंने मोर देखी तो वो कह रही मुझको भी देखनी है। स्कूल में कितना अच्छा लगता होगा। चलो चलो बाय खाना। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स अभी हम लौट कर जा रहे थे। फाइनली आलिया को मोर तो देखने के लिए मिल गई मगर बिना पंखों वाली। तो आलिया उसको देखकर खुश तो हुई मगर वो कह रही थी इसके पंख नहीं है। मैंने कहा तो वो आंटी बता रही थी कि दीपावली के टाइम पे सारे पंख झड़ जाते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर पर।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इनाया खा रही हैं अपनी खिचड़ी। तो आज इनाया को अपने हाथों से खिला रही थी, तो वो बोल रही मैं अपने हाथों से खाऊंगी, तो इस वाली स्पून से वो खा रही है और साथ ही साथ मस्ती कर रही है। चलो इनाया कुछ तो खा लेती है, कुछ थोड़ा बहुत, जब उसका मन करता है ना तो वो थोड़ा बहुत ही खा लेती है और ज़्यादातर वो कुछ नहीं खाती है। और यहाँ आर्यन है, तो आर्यन के साथ में वो मस्ती कर रही है। तो यहाँ देखिए अक्सरा और आलिया गई हैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर, और वहाँ हो रहा है डांस और यहाँ सभी डांस कर रहे हैं। और यहाँ इन्होंने एक नाटक भी किया है, साथ में आर्यन भी है, तो वो कुछ नाटक तो कर रहे थे बट मेरे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, तो इसलिए मैंने आप सभी के साथ में उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं शेयर की। तो यहाँ पर आर्यन काफ़ी कॉमेडी कर रहा है और सभी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी हंस रहे थे। शादी वाला घर है तो अच्छा लगता है कुछ कॉमेडी इस तरह की हो। तो यहाँ पर आर्यन की पड़ रही है जोरों की मराई, वैसी नौटंकी कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर आर्यन के बाद आ गए हैं हमारे मामू की लड़की रेहान, तो देखिए कैसे डंडा पड़ नहीं रहा है, बस ऐसे ही उछक रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खूब मस्ती कर रहे हैं सभी, और इसमें आलिया ने भी एक डांस पे, सॉरी एक गाने पे डांस किया था, तो उसका वीडियो शूट था। मैं सोची आप सभी के साथ में उसका थोड़ा सा डांस शेयर करूँ। वैसे तो आप सभी ने कई बार देखा है आलिया का डांस, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा डांस करती है आलिया, और मगर पता नहीं उसका वीडियो शूट है ही नहीं है इसमें। तो अभी यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे हैं, काफ़ी उछक रहे हैं, काफ़ी उतम मचा रहे हैं और सभी के सभी, तो अच्छा लगा मुझे ये देखकर। और अक्सरा नहीं ये वीडियो शूट किया है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ में शेयर किया जाए। और देखिए यहाँ पर अक्सरा और आलिया किस तरह मस्ती कर रहे हैं, आलिया ने ये वीडियो बनाया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब वो डांस करती हूँ माशाल्लाह, मैं कह नहीं सकती, बहुत ही अच्छा डांस करती है, स्टेप बाय स्टेप सारे चाहे उनसे गाने पे डांस करा लो उससे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा डांस लगता है मुझे आलिया का। और मैं सोचती हूँ इतनी छोटी बच्ची कितना अच्छा डांस कर लेती है। बस यहाँ पर देखिए ये वीडियो शूट उस दिन का है जिस दिन आर्यन का बर्थडे था और हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो यहाँ पर आर्यन केक कटिंग करने जा रहा है। तो मैंने सोचा मैं अपने इंस्टाग्राम या अपने अपने यूट्यूब के लिए स्टोरी के लिए एक वीडियो शूट कर लूँ, तो मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने पूरा शेयर किया है कि कैसा है। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर की ये वाली फ्रॉक पहनी थी और उसके साथ में नेट का दुपट्टा लिया है वाइट कलर का, ये वाली मैंने ड्रेस पहनी है। और यहाँ इनाया खड़ी हुई हैं बाजी, इनाया की जब भी बाजी ये मोमबत्ती जलाती हैं जो बर्थडे वाली होती है उसको इनाया फूंक देती हैं और वो बुझा देती हैं, तो इनाया को रोकने पड़ता है, वो ना उसको जलने नहीं देती हैं और जलने से पहले ही बुझा देती हैं। तो यहाँ पापा भी आ चुके हैं, अब होगा केक कटिंग। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आर्यन के बर्थडे सेलिब्रेशन पर और हमने बहुत इंजॉय किया, और आप सब ने भी बाजी के ब्लॉग में इंजॉय किया था और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स किए थे और आर्यन को बहुत सारी दुआएँ मिली थी, उसके लिए आप सभी को थैंक यू वेरी वेरी सो मच फ्रेंड्स। और यहाँ आर्यन खड़ा हुआ है बड़ी स्टाइल में अपना केक कटिंग चाकू दिखा रहा है, तो यहाँ पर सभी आए हैं मामू मानी वगैरह, तो बस अच्छा लगा। बाय फ्रेंड्स, तो यहाँ आर्यन की पार्टी तो हो गई, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए इनाया को। अरे 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 क्या चुईया चुईया आपका नाम क्या है? क्या नाम है? इनाया छोटी सी क्यूट सी और बहुत ही स्वीट,
बच्ची है, उसके साथ में मुझे खेलना बहुत बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ का हर छोटा बच्चा स्वीटी होता है और उसके साथ में मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इनाया के साथ अभी यहाँ इनाया खेल रही हैं और अक्सरा ही बैठी हुई हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना। मैं ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ और ब्लॉग फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।